गाइस, दिस इज मी नवप्रीत। वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई विल शेयर विद यू माय वेट लॉस एक्सपीरियंस विद यू ऑल गाइस। एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली अपना 23 to 24 kg रिड्यूस किया है। फेब में मेरा जो वेट था अराउंड 21 फेब तक मेरा वेट था 86 kg और अब मेरा वेट है 62 kg। मैं आप लोगों के साथ जो मेरा 24 kg की वेट लॉस जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और करूँगी। एक्चुअली हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि ये था कि मैंने जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो सब कुछ था, तो मतलब मैंने डॉक्टर को दिखाया, जब मैंने अपना वेट चेक किया तो आई वॉज 86 kg। आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड, क्योंकि आज से अब से उस टाइम से 1.5 साल पहले जब मेरी मैरिज हुई थी नवंबर 2015 में आई वॉज 65 kg। और मैं इतनी ज़्यादा हैरान होगी यार कि मेरा विद इन 1.5 साल में मेरा 21 किलो कैसे बढ़ गया। मैं बहुत ज़्यादा मतलब शॉक में हो गई यार कि मेरा इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। एक्चुअली जब मैंने डॉक्टर से बात की कि मैं इतना कुछ खाती नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं, वो कहता कुछ तो गलत खाते हो गया, कुछ तो गलत होगा, आप ये चीज़ सोचो कि आप क्या गलत खाते हो। ठीक है, मैंने फिर वही चीज़ों पे अपने ऊपर काम किया, सब कुछ किया। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग ये चीज़ें सोचते हैं कि हम लोग बहुत डाइटिंग कर रहे हैं, हम लोग बहुत वॉक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पतले क्यों नहीं हो रहे। एक्चुअली बीच में हम बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम लोग डाइटिशियंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या बात होती है कि आपकी बॉडी का आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता होता है। ठीक है, आप अपनी बॉडी को जानने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने अपनी बॉडी को जानने की कोशिश की, अपना वेट लॉस करने की कोशिश की। सिर्फ एक मेरी कोशिश थी कि जिससे मैंने अपना वेट मतलब अपना जो मेरा 65 kg था इवन उससे कम होके मेरा अब 62 हो गया है, और अभी मैं अपना वेट जो है वो और रिड्यूस करना चाह रही हूँ। तो आई नो कि मैं वो कर लूँगी, मतलब विद इन 15 days मैं उस जगह पे भी विद इन 15 to 20 days मैं 57 या 56 kg पे आ जाऊँगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ वो अपना होल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली अब हमारे मोटापे का कारण क्या होती है, ठीक है, अब अगर हम देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, हम एक्चुअली क्या होता है, मेन हमारे मोटापे का कारण होता है हमारा लाइफस्टाइल, हम कैसे जीते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, किस टाइम पी रहे हैं, वो सारा क्या होता है कि हमारा एक गलत रूटीन होता है, किस टाइम पे हम खा रहे हैं, किस टाइम पे हम उठ रहे हैं। ठीक है, हम अगर उन चीज़ों को चेंज कर देंगे, उन चीज़ों के साथ बैलेंस कर लेंगे, तो हम अपने आप ही रिड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली, यार हम बहुत जिम करते हैं, हम तो पतले नहीं हुए, तू कैसे पतली होगी। देखो, मैंने कोई जिम नहीं किया, मैं पहली बात ही बात कर रही हूँ कि मैंने अभी कोई जिम नहीं किया वेट रिड्यूस करने के लिए। मैंने बहुत सिंपल तरीके से अपना वेट रिड्यूस किया, और वेट रिड्यूस करने के लिए मैंने कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लिए। ठीक है, और जो मैंने वेट रिड्यूस किया, जो आपके घर में प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मैंने उन चीज़ों से ही अपना वेट रिड्यूस किया। ठीक है, जो हमारे घर में ही चीज़ें होती हैं। एक्चुअली मेन थिंग क्या थी कि मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। ठीक है, अब मोस्टली पीपल को क्या चीज़ होती है कि हाँ कि यार हमारा वेट रिड्यूस क्यों नहीं होता। जो चीज़ों से मैंने जिस चीज़ से एक्सपीरियंस किया मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली जब हम जो हमारा वेट रिड्यूस है उसका मेन कारण क्या होता है कि जब हम अपना बैलेंस डाइट कर लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल बैलेंस कर लेते हैं, तब हम अपना वेट रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा जो वेट बढ़ने का कारण क्या है, गेन होने का कारण क्या है, जब हमारा खाना बैलेंस नहीं है, हम कुछ भी बैलेंस नहीं कर रहे, हमारा लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं है, तो हम ऑब्वियसली पुट ऑन करेंगे। ठीक है, अब मैं अपनी बात ले लेती हूँ। ठीक है, कि मैं अब जब मैंने ये चीज़ देखी कि हाँ कि मेरा यार 85-86 kg कैसे बढ़ गया,
ठीक है, तब मैंने क्या चीज वो की कि यार मेरा लाइफस्टाइल ठीक नहीं था। लाइफस्टाइल क्या था कि जैसे मेरे हस्बैंड ने अगर मॉर्निंग में जाना है, उन्होंने 6:30 बजे मॉर्निंग शिफ्ट में जाना है, तो मैं क्या करती थी 5 बजे उठ के उनका खाना बनाना सब कुछ करना, लेकिन फिर क्या करती थी उनके जाने 6:30 बजे उनके जाने के बाद मैं सो जाती थी। और उठती कितनी बजे थी, 9 बजे। 9 बजे उठना, तो 9 बजे अगर मैं उठूंगी तो घर का काम भी करूंगी, करके मैं फिर ब्रेकफास्ट किस टाइम करूंगी, 11 बजे। मतलब मेरा ब्रेकफास्ट जिस टाइम मेरा सेकंड मील लेने का टाइम है उस टाइम मैं क्या कर रही थी, अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। ठीक है, मेरी अगर मैं इस देखूं तो मेरी डाइट बिल्कुल इम्बेलेंस थी। ठीक है, उसके कारण क्या था कि मेरा जो वेट था बढ़ रहा था। अगर मैं 11 बजे अपना ब्रेकफास्ट करूंगी, लंच किस टाइम करूंगी, ठीक है ना, तो फिर इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया, अपने आप का बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। मैं जैसी थी मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने अपने आप को सुबह के लिए वो कर दिया कि मैं सुबह ही मैंने उठना है, मैंने अपना वॉक जॉब भी करनी है, मैं अपना करके मैं अपना सुबह अपना 8-8:30 बजे से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। अब फिर उसके बाद मैंने क्या चीज़ें वो की कि फिर जो मुझे प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया। ठीक है, अब आजकल हम देखें तो कितनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, अब हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, अब आजकल क्या चल रहा है, वेट लूज, एक तो हमारा पहली बात क्या होगी, हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब होता है। दूसरी बात क्या चल रही होती है कि हाँ कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। यार स्ट्रेस में क्यों होना है, मोस्टली पीपल को क्या होता है, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को, अगर यार आप पढ़ाई करो वो भी फ्री माइंडेड होके करो, जितना फ्री माइंडेड होके कोई भी काम करोगे, जितना स्ट्रेस से कोई भी काम करोगे आप कभी भी उस पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। जितना फ्री माइंडेड होके कोई काम करोगे ना उतना ही आप कंसंट्रेट करोगे, कोई भी है, चाहे आपको वेट रिड्यूस करना है, चाहे आपको पढ़ाई करनी है या कुछ भी करना है, स्ट्रेस किसके लिए लेना यार, या टेंशन या डिप्रेशन किस चीज के लिए लेना, किसी पर्सन के लिए डिप्रेशन लेना, या हम ये सोचने हमारा ये काम नहीं हुआ तो यार फिर क्या हो गया, अगर वो काम नहीं हुआ तो आप दूसरा काम कर लो। मेरे साथ भी बहुत चीजें हुई, अगर मैंने ये चीज सोचूं कि हाँ कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गई थी, मेरा वेट मेरा बढ़ने का कारण भी यही था स्ट्रेस। फिर मैंने क्या किया, अपने स्ट्रेस को खत्म किया, मैंने उस चीज को, मैं कहा दुनिया चाहे भाड़ में, मैं क्यों स्ट्रेस में, मैं क्यों स्ट्रेस में आऊं, मैं अपने आप को क्यों खराब करूं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अपने क्या की, फिर अब तीसरी बात क्या है, जब लोग अपनी नींद पूरी नहीं लेते। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि यार हम नाइट शिफ्ट करते हैं, पर दिन में तो अपनी नींद पूरी लो। ठीक है, अगर आप रात को लेट सो रहे हो तो दिन में क्या है, आप जब भी आप उठ रहे हो उसके बाद अपनी दोपहर में या दिन में किसी भी टाइम अपने 8 घंटे की आप अपनी नींद पूरी कर लो। ठीक है, उसके बाद हमें कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आजकल जैसे चल रही हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं लड़कियों को, जैसे PCOD PCOS होता है। ठीक है, लोगों को यही नहीं पता कि हमने इससे कैसे ओवरकम होना है। थायराइड है, लोगों को यही नहीं पता कि हमने थायराइड में क्या खाना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है, अब BP है, जैसे मुझे BP की प्रॉब्लम थी, मैंने उससे कैसे ओवरकम किया, कैसे किया, सब कुछ भाई आप खुद ही अपने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास, मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीखा है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कितनी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को, जो भी है मैं उसके आंसर दूँ, उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँ। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ अपनी फर्दर वीडियोस भी शेयर करती रहूँ, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी वेट लॉस की, आपकी और भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ सॉर्ट आउट करती रहूँ, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, उतना ही मैं अपने वेट लॉस की हर एक चीज़ की, जो मेरी अपनी पर्सनल रेसिपीज हैं या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी पर्सनल डाइट्स ली हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बहुत सिंपल डाइट्स होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कहो कि हाँ कि बहुत पैसे लगेंगे या कुछ लगेगा, कुछ भी नहीं, जो आपके घर में सामान है उसी चीज़ों से ही मैं पतली हुई हूँ, उसी चीज़ों को लेके मैंने अपने आप को अपना वेट रिड्यूस किया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे आपके लिए और अपनी वीडियोस लेके आती रहूँगी। जितनी आप चाहोगे मैं आपके साथ अपनी डाइट प्लान्स हैं सब कुछ शेयर करूँगी, डाइट प्लान्स होगी, मेरी रेसिपीज़ होगी, सारी वेट लॉस रेसिपीज़ होगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग पतले हो, लेकिन खा पी के पतले हो, आप लोगों को ये चीज़ लगे कि आप
खा पी के पतले हो रहे हो, आप इंजॉय करके पतले हो रहे हो, ठीक है। अब कोई भी काम कर रहे हो उसे इंजॉय करके करो यार। देखो एक काम करने के दो तरीके हैं, मुझे इतना पता है, कोई भी आप काम करना चाहते हो उसके दो तरीके हैं, एक है कि आप हंस के कर लो और दूसरा है आप रो के कर लो, ठीक है। हंस के करोगे वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर रो के करोगे तो वो काम आपको लटक लटक के होगा, ठीक है। काम तो करना ही है, कुछ भी करना है, लेकिन हंस के करो। अगर आप ये सोचते हो कि आप किसी को, आपको किसी के अंदर खुशी ढूंढनी है, नहीं यार, खुशी आपके अंदर ही है। आप किसी को खुशी देने वाले बनो, किसी से खुशी मांगने वाले मत बनो, ठीक है ना। जितनी आप खुशी अपने अंदर से निकालोगे उतने बांटोगे, ऐसा बनो कि लोग आपको पकड़े, प्यार करें, ठीक है। आप किसी के पास मत जाओ बेचारे बन के, ठीक है। ओके गाइस बाय। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। ओके।